उपजिला सुंदरबनी के बीडीसी चेयरमैन अरुण कुमार शर्मा ने एक दिन पहले उपराज्यपाल से मुलाकात की। इन सब के चलते हुए अरुण कुमार शर्मा ने सुंदरबनी डाक बंगला में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। अनिल गग्याल की खास रिपोर्ट। हमारे जो पीडीडी डिपार्टमेंट का जो ग्रिड स्टेशन है सियोट के अंदर, वो तकरीबन पिछले 15 साल से बन रहा था, लेकिन उसकी इनॉग्रेशन की देरी की वजह से लोगों के अंदर त्राही त्राही मची हुई थी बिजली की वजह से। उसको इनॉग्रेट कराया हमने कल। उसके बाद हॉस्पिटल की प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जो फंडिंग थी उसको हमने रिलीज करवाया। उसके बाद पानी की और रोड्स की जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, सीआरएफ और नवाड और पीएमजीएसवाई कुछ रोड़े हैं सुंदरबनी के एडजाइनिंग जो इलाके हैं जो जुड़ते हैं सुंदरबनी ब्लॉक के साथ, कुछ रोड़े हैं उनके प्रोजेक्ट को हमने थ्रू करवाया। श्री स्वामी विश्वात्मानंद सरस्वती जी महाराज जी ने एक दर्शनामी अखाड़ा पुंछ में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत किया गया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बात की। पुंछ से सनी शर्मा की रिपोर्ट। देखो, ये एक प्राचीन परंपरा चली आ रही है। भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए पहले इसका छड़ी का प्रारंभ हुआ है देवताओं से। देवता लोग कैलाश में ले जाकर छड़ी महादेव और शंभु का स्तवन करते हैं, और इसी प्रकार से जो श्रेष्ठ पुरुष, जो देवता लोग, जो हमारे वेद, हमारे गुरुजन महापुरुष जो करें, हमें भी उनका आगे समाचरण करना चाहिए। हम पुंछवासी जानते हैं कि हर साल श्री दशनामी खाड़ा पुंछ से ही रक्षाबंधन के त्यौहार के लिए छड़ी मुबारक की पूजा होती है, और यहाँ से छड़ी जो है बूढ़ा अमरनाथ जाती है। आज जो महाबीमारी फैली हुई है पूरे भारतवर्ष में, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए बहुत ही शार्ट प्रोग्राम जो है जिला इंतजामिया की अजायब के मुताबिक किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के महासचिव रंजीत तारा ने गवर्नर से अपील की है कि ईद और रक्षाबंधन के निकट त्योहारों के मौसम के रूप में डेली वेजरों के लंबित वेतन को जारी करें, ताकि वो अपने परिवार के सदस्यों के साथ अच्छे तरीके से त्योहार मनाएं। कैमरामैन राजन कपूर के साथ सुशील दत्ता की रिपोर्ट। मेरे देशवासियों को मेरी तरफ से रक्षाबंधन और ईद की बहुत बहुत बधाई, और हमारे जम्मू कश्मीर प्रदेश, हमारे अरजोरी वासियों को भी मेरी तरफ से रक्षाबंधन और ईद की बहुत सारी बधाई। आज वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद था, वो ये था कि पिछले दिनों में हमने एक ऑर्डर देखा, जिस ऑर्डर में लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का ऑर्डर था, उसमें ये था भाई कि जो परमानेंट एम्प्लाइज हैं उन एम्प्लाइज के अकाउंटों में एडवांस उनकी सैलरी डाली जाए, ताकि वो रक्षाबंधन और ईद का जो त्यौहार है वो अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ अच्छी तरीके से बनाए। तिरियाट तहसील के वार्ड नंबर 4 में एक और गरीब परिवार का आशियाना उड़ा। बारिश बरसात ग्रामीणों पर आफत बनकर टूट रही है। इस बरसात के चलते ग्रामीणों का सुख चैन सब छीन चुका है, क्योंकि लगातार बरस रही बारिश और आंधी तूफान के चलते यहां के कच्चे मकान गिर रहे हैं। वहीं कच्चे मकानों पर पड़ी टीन की छत भी उड़ रही है, जिससे ग्रामीणों को से ढकने के लिए भी इस बारिश बरसात में परेशानी हो रही है। वहीं तिरियाट वार्ड नंबर 4 गवाड़ में श्यामलाल पुत्र बाबूराम के मकान की छत आंधी तूफान से उड़ गई, और इस दौरान श्यामलाल के घर में पड़े सामान का काफी नुकसान हुआ है। अनिल गग्याल की खास रिपोर्ट। तिरियाट तहसील में दुकानदारों के लिए फिर मुसीबत लाई बारिश। दुकानों के अंदर जलभराव होने से सामान का हुआ भारी नुकसान। जी हां, आपको बता दें, तिरियाट में भी जोरदार बारिश से दुकानदारों को फिर से मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। उनकी परेशानी बढ़ाने का काम बारिश कर रही है। बारिश से न केवल दुकानों के अंदर जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई, बल्कि दुकानों में पड़े सामान को भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। तिरियाट से अनिल कग्याल की रिपोर्ट।
सुरन कोट डिग्री कॉलेज के पॉलिटिकल विभाग ने राष्ट्रीय स्तर की क्विज कंपटीशन का आयोजन किया, जिसमें पूरे देश के कई बच्चों और अकेडमिशियन ने भी पार्टिसिपेट किया। आकाश मलिक की रिपोर्ट। सुरनकोट तहसील में पूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है, जिसकी वजह से सभी आने जाने वाली सड़कें बंद कर दी गई हैं और सभी प्रकार की आवाजाही पर भी पूर्ण रोक है। सुरनकोट से आकाश मलिक की रिपोर्ट। उठाया है, ये बहुत अच्छा उठाया है। हम अप्रिशिएट करते हैं अपने SDPO सुरनकोट और SHO सुरनकोट, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, SDM, इन्होंने ये बहुत अच्छा स्टेप उठाया है जो कम्प्लीट लॉकडाउन किया है। तो इससे यह है कि जो ज़्यादा जो फैलने का जो मामला बन जाता, मतलब चेन बनता, तो उस पर कंट्रोल हो जाएगा। DDC डोडा ने ईद उल अदा की तैयारियों के बीच स्थानीय बाजार का जायजा लिया और सुनिश्चित किया है कि COVID-19 से सुरक्षा का ध्यान रखा जा रहा है या नहीं, और उल्लंघन करने वालों के चालान भी काटे जा रहे हैं। अरशद अयूब भट्ट की रिपोर्ट। गबरू मेंस लग्जरी सैलून सर्विसेज अवेलेबल। एडवांस हेयर कट, बियर्ड, फैशन हेयर कलर, स्मूथनिंग एंड केराटिन, फेसियल, डीटैन, हेयर स्पा, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हाइलाइट्स। अपोजिट एस्क्वास्ट मेन रोड, आरएसपुरा, जम्मू। कॉन्टैक्ट नंबर 9622386022।